लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना भी थी। आरोपियों से बरामद किए हथियार। उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने राव विधानसभा क्षेत्र में 54 लाख की लागत से बनने वाली नर्मदा परियोजना का किया शिलान्यास। कांग्रेस सरकार के विजन में विकास कार्य को होना बताया। आगामी 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने कसी कमर। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने सभी 243 सीटों पर विधानसभा प्रभारी किए नियुक्त। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो हत्या की सुपारी लेकर महू के बस एजेंट की हत्या करने जा रहे थे। वहीं इन आरोपियों की पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना भी थी। पकड़ाए गए आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं वो आरोपी हैं जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ युवक गंभीर नदी की पुलिया पर बैठे हैं और कोई बड़ा अपराध करने की योजना बना रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने किशनगंज पुलिस के सहयोग से इन आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस को उनकी तलाशी में बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले, जिसमें 2 देशी कट्टे, बड़े धारदार चाकू और लोहे की रॉड शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने पहले तो पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बताई, वहीं उसके बाद महू गांव के बस एजेंट अशोक वर्मा की हत्या की योजना भी बताई। आरोपियों ने बताया कि भवरकुआ के निब्बू पहलवान और महू के बस एजेंट अशोक वर्मा के बीच लंबे समय से बसों के परिचालन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते निब्बू पहलवान ने इन आरोपियों को एजेंट को खत्म करने की सुपारी दी थी। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहर में 2 बड़ी घटनाओं को रोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। क्राइम ब्रांच इंदौर को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर के कहीं डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं और साथ ही किसी अन्य को मारने की भी योजना भी है उनकी। ये बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच की टीम को रिसीव हुई थी, जिस पर बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए उस जो पूरे गिरोह था उसको आइडेंटिफाई किया गया और थाना किशनगंज को सूचित करके उनको गंभीर नदी पुलिया ए बी रोड के पास में इनकी जो एक गाड़ी थी, मारुति वैन थी, उसको जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें 6 बदमाश उस गाड़ी में मिले, जो कि कुछ उसमें से नशे की हालत में थे और उनके पास में हथियार भी बरामद हुए, जो 2 देशी कट्टे, 2 धारदार चाकू और 2 टामी और वारदात में जो 4 पहिया वैन जो प्रयुक्त की जा रही थी ये इसको भी बरामद किया गया और इस सूचना को सही पाया गया और उनसे उनकी योजना वहाँ पेट्रोल पंप पर फ्लाइंग जंक्शन पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की उनकी योजना थी। साथ ही इसमें पूछताछ पर ये खुलासा हुआ कि इसमें ये अशोक नहीं इसमें जो मनोज वर्मा जो आरोपी हैं उसमें मनोज वर्मा, रोहित कोकसे, लखन पंचोली, शिवा वर्मा, सुनील भालेकर और जितेंद्र बदामे ये आरोपी पकड़े गए और इसमें पूछताछ पर इन्होंने ये बताया कि ये पेट्रोल पंप लूटने के बाद महू के बस एजेंट अशोक वर्मा की हत्या को भी अंजाम देने की तैयारी में थे। इनसे इनके जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसमें ये क्लियर हुआ कि इनके अधिकांश लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और ये भवरकुआ में रहने वाले निब्बू पहलवान और महू के बस एजेंट अशोक वर्मा के मध्य काफ़ी समय से चल रहे विवाद के चलते इनको इसमें इंगेज किया गया कि ये अशोक वर्मा की हत्या कर दें उसी को लेकर के और पैसे डकैती की तैयारी के साथ में इनके पैसे लूटने की भी प्लानिंग थी और साथ ही साथ इसको निपटा करके कुछ इनको सुपारी के लिए भी आश्वासन मिला था जो ये जिसके चलते ये इस हत्या को अंजाम दे रहे थे। इसमें इनके बैकग्राउंड में ये बात स्पष्ट हुई है कि निब्बू पहलवान का भाई बस ऑपरेटर है और अशोक वर्मा बस एजेंट है। उनके बीच में चल रही दुश्मनी में अशोक वर्मा को खत्म करने के लिए साजिश रची गई थी। निब्बू पहलवान पर दर्जन भर से अधिक प्रकरण दर्ज है, फिलहाल फरार है। 120B के तहत उसको भी आरोपी बनाया गया है और ये अभी कुछ समय पहले ही जमानत से बाहर आया है और स्वयं इस घटना को अंजाम देने की बजाय तो उसने इस टीम में जो बदमाश से जो गिरोह था उस ग्रुप को इसमें इंगेज किया। मारुति वैन से जैसे ही ये सवार होकर के निकले इसमें सूचना मिलने पर पुलिस टीम के द्वारा पेट्रोल पंप लूटने के पहले ही इनको पकड़ा गया और साथ ही संभावित जो हत्या हो सकती थी उसको भी रोका गया है
इस पूरी सराहनीय कार्रवाई पे क्राइम ब्रांच की टीम को 10,000 रुपये कैश अवार्ड दिया जा रहा है। और ये तथ्य इसमें सामने आया है कि इसमें कुछ बदमाश अल्पा जुलम का नशा करने के आदि हैं, उनके गिरोह को भी ट्रैक किया जा रहा है। सुपारी की रकम का कुछ हुआ, कितने की रकम देनी जानी थी या? सुपारी की रकम के बारे में पूछताछ चल रही है, ये स्पष्ट है कि इसमें इनको मारने के लिए एंगेज किया गया था और इनसे अभी इनको पीआर पर लेकर के और पूछताछ की जा रही है। मनोज वर्मा, रोहित टोकसे, लखन पंचोली, शिवा वर्मा, सुनील हालेकर और दीपक मुश्किल के बाद मधु के बस एजेंट अशोक वर्मा की हत्या को भी अंजाम देने की तैयारी में थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने उनकी राव विधानसभा क्षेत्र में करीब 54 लाख की लागत से बनने वाली नर्मदा परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री पटवारी ने कांग्रेस सरकार के विजन में इस विकास कार्य को होना बताया। इंदौर के एबी रोड स्थित बसंतपुरी कॉलोनी में नर्मदा पाइपलाइन का उद्घाटन करने के दौरान मंत्री पटवारी ने कहा कि कमलनाथ सरकार के विजन में प्रदेश में कई विकास कार्य हुए हैं, जिसमें करीब 200 परिवारों को नर्मदा लाइन से पानी मिलेगा, जिसके लिए 54 लाख की लागत से करीब 20 दिन में ये कार्य पूरा किया जाएगा। उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जैसे ही परियोजना का शिलान्यास करने अपने क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां महिलाओं ने कुमकुम तिलक कर मंत्री पटवारी का अभिनंदन किया और आभार माना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29। पाइपलाइन का शुभारंभ हुआ है, किस तरह की पाइपलाइन है और कितने कॉलोनी को फायदा होगा, क्या ये जो है माननीय जो मंत्री जी अपने जीतू पटवारी जी, आज उन्होंने इसका शिलान्यास किया हुआ है नर्मदा परियोजना का। हमारे कॉलोनी गोल्डन पैलेस कॉलोनी और बसंतपुरी कॉलोनी में थोड़ा बहुत नर्मदा लाइन का पानी आ रहा था, क्या कहते हैं आपके बसंतपुरी में, लेकिन गोल्डन पैलेस कॉलोनी के लिए बिल्कुल पानी नहीं था। तो मंत्री जी ने आज उसका उद्घाटन किया, जिससे हमारे गोल्डन पैलेस कॉलोनी और बसंतपुरी को रेगुलर जो है नर्मदा जल का सप्लाई होगा। और ये कितने समय में कार्य पूरा होगा? ये जो आज मंत्री जी ने कमिट किया कि अगले 15 दिन में कॉलोनी वालों को पानी नर्मदा जल मिल जाएगा और लगभग इसका 54 लाख का लागत है। 54 लाख की ये परियोजना है जिसको को फायदा होगा, जिसमें गोल्डन पैलेस कॉलोनी और बसंतपुरी दोनों रहवासियों को पानी मिलेगा। 200 परिवार, लगभग 200 परिवार है दोनों कॉलोनियों में मिला के। जी, आपका नाम? मेरा नाम जय विक्रम सिंह है, मैं गोल्डन पैलेस कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। और ये हमारे बसंतपुरी गोल्डन पैलेस 103 बहुत बड़ा एरिया है, करीब पानी की समस्या थी, नर्मदा का पानी घर घर पहुँचे हमारे विजन का हिस्सा है। मेरी विधानसभा में विकास की जो एक मैं मानता हूं कि एक लहर चल रही है और उसका लाभ पूरे हमारे परिवार के लोगों को मिल रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और ख़ासकर मैं इनका बेटा होने के नाते मेरा दायित्व है, हम लगातार प्रयास नर्मदा का घर घर ले जाने का कर रहे हैं। आगामी 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस ली है। आपको बताते चले, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के सभी 243 सीटों पर विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। विधानसभा प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वहां के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी दी है। पूर्णिया विधानसभा प्रभारी अमित शाह ने बताया कि पार्टी ने 15, 16, 17 बूथ को विशेष अभियान चलाकर हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29, इंडिया। अब देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यू ने पूरे बिहार के 243 विधानसभा पर विधानसभा प्रभारी मनोनीत किया है और विधानसभा में जाकर के प्रभारी को विधानसभा की तैयारी, आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हम लोगों को अपने अपने विधानसभा में सम्मेलन कराना है, जिसको जिस विधानसभा का भार मिला है वहाँ सम्मेलन कराना है। हर बूथ पर, हर पंचायत पर हमारे एक्टिव लोग जो हैं, हर बूथ पर हमारा बूथ अध्यक्ष होगा, हर बूथ पर बूथ सचिव होगा, बूथ की कार्यकारिणी होगी, पूरी कमेटी मिलकर, पूरा जिला नगर कमेटी समन्वय मिला करके हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है और आगामी 2020 का जो हम लोग का चुनावी वर्ष है, इस वर्ष में हम लोगों को मजबूती के साथ NDA की सरकार वापस बिहार में बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। चुनाव की तैयारी हो गई? हाँ, संगठन का काम है, चुनावी वर्ष है कह सकते हैं, हम लोगों को संगठन का काम को देखना है और उसी के तहत पार्टी ने निर्णय लिया है, हम लोगों को विधानसभा में भेजा गया है, हम लोग विधानसभा में काम करेंगे।
अमित शाह, विधानसभा प्रभारी, पूर्णिया सदर। कटिहार जिले में दबंगों के द्वारा लगातार भूमि विवाद को लेकर अक्सर मारपीट नजर आती है। इसी तरह का मामला कटिहार सदर अस्पताल में सामने आया है। मोहम्मद परवेज आलम ग्राम जाजा मलिकपुर कदवा ब्लॉक वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। कोर्ट के जजमेंट के बाद भी दबंगों ने जमीन खाली नहीं की। दबंगों ने मोहम्मद परवेज आलम और उनके परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। बाकी 4 भाइयों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। क्या मामला था, कैसे? जमीनी विवाद है, हम लोग 1940 से जमीन खाते हैं। किनके साथ जमीन झगड़ा हुआ? आरिफ और जमाल जैनुद्दीन। कौन है? गांव का है। तो वो क्या किए हैं जमीन पे आपके? वो अपलोग खतियान बन गया था उनके नाम से, फिर हम लोग का टाइटल हुआ था, कंप्रोमाइज डिसीजन है टाइटल। अपने केस जीत गया था, उसके बावजूद भी जमीन खाली करने से इनकार किया। खाली है, हमीन का खाली है, बात जमीन है ना। क्या पूरा मामला क्या था, कैसे क्या हुआ? पाली वो हम लोग के नाम से डिसीजन है, कॉम्प्रोमाइज डिसीजन है। तो फिर वहाँ जमीन पे कैसे लगा? जबरदस्ती है उसका। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? आप उन लोगों का आदमी वो ज्यादा है, हम लोग कम है। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? मतलब हम लोग का हाल जोतने गए थे, हाथ जोत रहे थे, मतलब वो लोग अचानक से आया, सब मिलके लाठी तलवार बलम फरसा लेके आया और मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी कारण जो मेरे चाचा परवेज आलम है उनके सर पर मतलब तलवार लग गया, तो ये जमालुद्दीन ने तलवार मार दिया, उसी कारण मतलब ये गिर पड़े, बेहोश हो गए। उसके बाद उसके भाई आए बचाने के लिए, मोहम्मद अरशद आलम, उसको भी मार दिए। उसके बाद वो भी गिर गए, तब उसके बाद उसके भाई और राशिद आलम आए तो उनको भी मारे और उनको भी गिरा दिए। मतलब घायल हुए हैं 5 लोग, इनमें से 3 के सर फटे हैं, सर में चोट लगे हैं, बाकी 2 के मतलब कांधे वंधे पे पेट उट पे जख्म हुए। मेन कारण क्या रहा? जमीनी विवाद है, जो जमीन हम लोग का है वो मतलब मोटेशन सब कुछ हम लोग के नाम से है, खतियान में उन लोगों के नाम है, खतियान में पुरानी, तो वो लोग खतियान के हिसाब से ज़बरदस्ती मतलब अपने लाठी के बलबूते पर वो लोग अपना मतलब ये करना चाहते हैं कि नहीं जमीन हम लोग का है। जबकि हाल ही 2019 का भी रसीद कटा हुआ है मेरे, हम लोग के पास, और मोटेशन भी हम लोग के नाम से है और जजमेंट भी हम लोग के नाम से है। उसके बावजूद भी वो छोड़? हाँ, उसके बावजूद भी वो मतलब वो तो ज़मीन खाली, हम लोग 3 साल से बाहर रहे थे उससे, नहीं 1940 से हम लोग ही बाहर रहे थे, लेकिन बीच में दो साल वो लोग मतलब ज़बरदस्ती लाठी के बलबूते कब्जा कर लिया, फिर उन केस हार गया, तब फिर हम लोग जोत रहे थे 3 साल जोते। मारने वाले में से है मोहम्मद जमील, मोहम्मद जमाल, आरिफ और यासरीन, इमरान, कमरान और जिलानी। कितने लोगों के द्वारा मारपीट किया? मारपीट 25 या 30 से मतलब आए थे, और भी लेडीज लोग भी थी, सब मिलकर आए थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुंतकाम आलम। कौन लगते हैं? उनके भतीजे हैं, चाचा हुए मेरे। इछावर जनपद के ग्राम पंचायत भावखेड़ी में मनरेगा के तहत 27 लाख की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर सीहोर एसडीओ एवं कार्यपालन यंत्री की गौशाला का निरीक्षण करने ग्राम पंचायत भावखेड़ी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, साथ ही कहा कि दिसंबर तक गौशाला का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। इछावर से राम बाबू वर्मा की रिपोर्ट। सर, आपने गौशाला का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं यहाँ पर है, कैसा निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह देखते हैं? हमारा जो निर्माण कार्य है वो बिल्कुल निर्धारित मापदंड के हिसाब से चल रहा है। प्रोग्रेस जरूर स्लो है, लेकिन निर्धारित जो टारगेट है अप्रैल दिसंबर तक हम पूरा कोशिश करेंगे कि हो जाए। काम ठीक चल रहा है? बिल्कुल काम जो है ठीक चल रहा है। सर, मटेरियल की क्वांटिटी कैसे? हमको समझ में आया, हमने निर्देश दे दिए कि इसको ऐसा बनाना है, निर्देश दे दिए इसको। सर, मटेरियल की क्वांटिटी भी जाँच हुई? क्वांटिटी क्या नहीं, इसकी क्वालिटी, क्वालिटी ठीक है ना? क्वालिटी ठीक है, यदि कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।